नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका नॉलेज रडार में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा अपना वेबसाइट आ चुका है जो कि है knowledgeradar.live, यानी www.knowledgeradar.live। आप हमारे वेबसाइट पे जाके सारा इन्फॉर्मेशन आप वहां जाकर ले सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स हो, बिजनेस फैक्ट हो, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई भी नया अपडेट आता है हमारे वेबसाइट पे, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। सो दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आज का बेसिकली स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है, सरदार पटेल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएशन। मतलब आज का जो स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए है जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बेसिकली इस स्कॉलरशिप का डेडलाइन ख़त्म हो चुका था और इसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए हैं उनका लिस्ट भी जारी कर दिया गया है और साथ ही में ये स्कॉलरशिप फिर से रीओपन कर दिया गया है। मतलब इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। सो अब थोड़ा इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे आप। अगर अंत तक नहीं देख पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो को अंत तक देखिए। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप है क्या। बेसिकली सरदार पटेल स्कॉलरशिप और स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएशन, ये उनके लिए जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप का जो था डेडलाइन वो ख़त्म हो चुका था, फिर से इसको रीओपन किया गया है। ये एक इनिशिएटिव है बॉडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन, जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, यानी EWS फैमिली से जो आते हैं उससे बिलोंग करते हैं। ये स्कॉलरशिप उनको देता है जो कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है ग्रेजुएशन में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, स्पेशल एजुकेशन, किसी भी तरह के वो स्ट्रीम में हो, अगर वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के ग्रेजुएशन में हैं तो इसके लिए वो एलिजिबल होंगे और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। सो बेसिकली ये बॉडी फॉर स्टडी के बारे में बता दूँ कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजर्विंग स्टूडेंट जो होते हैं उनको हेल्प करता है फाइनेंशियली ताकि वो फर्दर अपना स्टडी जारी रख सके। सो अब थोड़ा डिटेल में इसको जान लेते हैं, इस स्कॉलरशिप के बारे में। सो एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से इसका है, ये जो है स्कॉलरशिप उनके लिए है जो कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है, थ्री ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स या स्पेशल एजुकेशन में है, उनके लिए स्कॉलरशिप है। ये ध्यान देने वाली बात है इधर कि जो अप्लीकेंट्स होंगे वो क्लास 12 बोर्ड पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% का मार्क्स होना चाहिए तभी इसके लिए वो एलिजिबल होंगे, और जो फैमिली इनकम होगा उनके फैमिली का वो 6 लाख से कम होना चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और जो दूसरी बात है ध्यान देने वाली इधर कि वो किसी भी कॉलेज से होने चाहिए, लेकिन कॉलेज जो हो रिकॉग्नाइज कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर फुल टाइम मोड में हो। अगर वो रेगुलर फुल टाइम मोड कर रहे हैं तभी वो अप्लाई कर सकेंगे, अगर डिस्टेंस से कर रहे हैं तो इसके लिए एलिजिबल वो नहीं होंगे। सो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप रेगुलर फुल टाइम मोड में किसी कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। अब जान लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या मिलेगा। बेनिफिट्स इस फॉर्म को आपको मिलेगा कि आपको 15,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब हम जान लेते हैं कि लास्ट टाइम इससे जो पहले स्कॉलरशिप जो इसका आया था उसके अवार्डीज का नाम आ चुका है, किनको किनको जो स्कॉलर्स आए हैं उनका नाम यहाँ पे दिया जारी, बॉडी फॉर स्टडी ने उनके नाम जो है जारी कर दिए हैं। उनके नाम का भी मैं आपको बता दूँ कितने लोग थे और किसको किसको मिला है। अगर आप का सिलेक्शन हुआ होगा तो आप भी देख सकेंगे लिस्ट अपना कि कौन कौन से जो नेम है जो सिलेक्टेड हुए हैं। सो ये कुछ नाम इस तरह से है, ये स्कॉलरशिप अवार्डीज के नाम यहाँ पे टॉप जो है उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ऐश्वर्या है क्लास ग्रेजुएशन, लोकेशन महाराष्ट्र से है ये, अजय कुमार क्लास ग्रेजुएशन है इनका, लोकेशन तेलंगाना से, अंकित क्लास ग्रेजुएशन और गायत्री क्लास ग्रेजुएशन, अंकित दिल्ली से हैं और गायत्री महाराष्ट्र से हैं। और भी सारे डिटेल्स हैं वहाँ पे जो भी अवार्डीज आए हुए हैं आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं क्लिक करके आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सब नाम उन लोगों का दिया हुआ है जो भी स्कॉलर अवार्डीज हैं उनका सब नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे रोल नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर भी अपना देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं। 10 लोगों का नाम जारी किया गया है यहाँ पे है जो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नेम ऐश्वर्या है, आप डिटेल में जाकर देख सकेंगे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर सबका नाम देख सकते हैं, यहाँ सब दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट और मोबाइल नंबर का
पहला दो डिजिट और लास्ट दो डिजिट यहाँ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या नाम है। अजय कुमार, इनका सिलेक्शन हुआ है। अंकित गुप्ता, इनका सिलेक्शन हुआ है। गायत्री बोरुल, इनका हुआ है। और ईश्वर लिंगा, इनका सिलेक्शन हुआ है। मोहना रूपा, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, आंध्र प्रदेश से हैं ये। और रसागना रेड्डी है जो कि आंध्र प्रदेश से हैं ये भी। साई कृष्णा, ये तेलंगाना से हैं, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। तन्या कुमारी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है जो कि फीमेल है और ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। उदिता त्रिपाठी, ये फीमेल हैं उत्तर प्रदेश से, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो इन बेसिकली 10 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आप इनका लिस्ट देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इस फॉर्म को फिर से जारी किया गया है। लास्ट डेट जो इसका है वो 31 जुलाई है, आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। सो इस बात को ध्यान में रखना है आपको इस फॉर्म को अप्लाई करते समय कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। फिर से बता देता हूँ आपको, जो इसका लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है, आप इसको अप्लाई 31 जुलाई से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते। सो दोस्तों, ये था बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, चूँकि ये आप ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकेंगे। सो दोस्तों, ये थे सारे डिटेल्स सरदार पटेल स्कॉलरशिप को लेकर। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों, ये थे सारे डिटेल्स सरदार पटेल स्कॉलरशिप को लेकर। आप चाहे तो वेबसाइट हमारा विजिट कर सकते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन को आप जाकर उधर देख सकते हैं। सो दोस्तों, टिल देन नॉलेज रडार, थैंक यू।